भदोही भाजपा विधायक और उनके परिजनों पर रेप के आरोप का मामला। पुलिस ने विधायक के भतीजे संदीप तिवारी को किया गिरफ्तार। एक विधवा महिला ने विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी और उनके बेटे भतीजों पर लगाया था रेप का आरोप। विधायक समेत अन्य छह आरोपियों को पुलिस ने दी क्लीन चिट। जितना जितना पत्थर के घिसबे उतने निखार आवत है, हीरा तब ही बना था। तो बच्चा बच्चा जाना तो है ठीक है। बाकी हमने दे दिया लाइट, आप लोग ले लीजिए। जांच का विषय है और फिर आप लोग तो गांव देश क्षेत्र के हैं, आप लोगों को स्वयं ही सब जानकारी रखना चाहिए भाई। फिर 14/6/20 अपने दामन को नहीं कोई जान रहा है क्या? एसपी सर से मैं इसलिए मिलने आई थी क्योंकि यहाँ के विधायक जो है रविंद्र त्रिपाठी, संदीप तिवारी, उनका जो भतीजा है, उन्होंने मेरे साथ शादी का झांसा देकर 6 साल तक मेरा शोषण किया। शारीरिक संबंध बना के उन्होंने मेरे साथ रखा था। जब मैंने शादी का बहुत जोर जबरदस्ती किया तो उन्होंने मुझे फिर यहाँ पर जो है कि परेशान किया, नहीं कि मना किया, इस तरह से करते करते उन्होंने इतना तंग कर दिया कि मुझे आज ये डिसीजन लेना पड़ा है। और जो चूंकि मेरी शादी 1998 में ही हो गई थी तो मेरे पति की मृत्यु 2007 में हो गई थी। उसके दरमियान में 7 साल तक अपने ससुराल में ही रही, पति की मृत्यु के बाद भी। लेकिन मृत्यु के बाद फिर जब मैं एक बार बॉम्बे अपने मायके जा रही थी पगफेरे के लिए, उसी दरमियान संदीप तिवारी से मेरी मुलाकात ट्रेन में हुई। मेरे सामने की बर्थ पर वो भी बैठे थे, बातों बातों में उन्होंने अपना नंबर दिया, मुझसे बातचीत की और उसी दरमियान उन्होंने मुझे बताया कि मैं अनमैरिड हूँ और मैं बॉम्बे में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता हूँ अपने चाचा चाची के साथ। तो हमारा इसी तरह सिलसिला बातों का चलता रहा। फिर उन्होंने मुझे प्रपोज किया, शादी का प्रस्ताव भी रखा मुझे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा। 2 साल इसी तरह बातचीत चलती रही और उसके बाद फिर मैं वहां से यहाँ आई बनारस अपने ससुराल। यहाँ पर आई तो उन्होंने मुझे कैंट स्टेशन पे बुलाया जबरदस्ती कि नहीं आ पाऊँ, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। मैं वहां गई तो वहां पे इन्होंने विष्णुप्रिया होटल में पहले से ही होटल बुक करके रखा था कमरा। वहां आने के बाद इन्होंने मुझसे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, जो कि मैंने मना किया कि मुझे अब ये सब चीज नहीं करना है, जो भी करें आप शादी की बात करें। लेकिन उन्होंने नहीं माना, मुझे जोर जबरदस्ती किया। मैं बहुत रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन माने नहीं वो। इसी तरह फिर हमारा सिलसिला चलता रहा। फिर वो बॉम्बे चले गए, मैं भी चली आई बॉम्बे। वहां आने के बाद फिर सहारा होटल में हमारा फिर से फिजिकल रिलेशन इसी तरह बनता रहा। 2017 में विधानसभा चुनाव जब चल रहा था उसी दरमियान फिर मुझे संदीप अपने साथ लेकर यहाँ आए भदोही और उन्होंने ग्लोरी होटल में स्टे किया। वहां पर मैं कम से कम 30 दिन थी, जैसे 5 दिन रहना फिर वापस बनारस आना, ये इसी तरह सिलसिला 30 दिन करा। उसी दरमियान ये रविन्द्र त्रिपाठी, चंद्रभूषण तिवारी, दीपक तिवारी, नितेश तिवारी, प्रकाश तिवारी, ये सभी लोग ग्लोरी होटल में एक दिन छोड़ छोड़ के सभी लोग आते थे और मेरे साथ इन्होंने जोर जबरदस्ती करके मेरा बलात्कार किया है। इस चीज की जानकारी मैंने संदीप तिवारी को दी। मैंने कहा कि देखिए ऐसी सी बात है, बट उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो ये सब चीजें अभी थोड़ा सहना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं शादी तुमसे नहीं कर पाऊंगा। मैंने बहुत समझा लेकिन वो माने नहीं। फिर यहां से मुझे लेकर वो बॉम्बे चले गए। जब चुनाव का रिजल्ट आ गया उसके बाद हम दोनों बॉम्बे चले गए। वहां जाने के बाद भी फिर यही सिलसिला चलता रहा, फिजिकल रिलेशन हम लोगों का कंटिन्यू रहा। और उसके बाद जब मैंने शादी के प्रेशर डाला तो उन्होंने सीधे मना कर दिया, क्योंकि कल 9 तारीख था। कल भी मैंने फोन करके उनसे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, अब कब करेंगे, 6 साल हो गए हमारे रिलेशन को, बट अब कब करेंगे शादी। उन्होंने कहा कि मैं भी आपसे शादी नहीं करूंगा और न ही करने का सवाल ही उठता है, मैं करूंगा ही नहीं शादी। अगर आप ज्यादा जोर जबरदस्ती करोगे तो मैं आपको जान से मार दूंगा या मरवा दूंगा। ये जो आप बता रही हैं ग्लोरी होटल का मामला, जिसमें विधायक और उनके परिवार के लोगों का नाम है, ये कब का मामला है? ये 2017 का बात है। अच्छा, उस समय जब बारी बारी से पूरे परिवार के लोग आए आपके साथ इस तरीके से किए, तो फिर बहुत लंबा समय बीत गया, इतना लंबा समय फिर आप? मैं उसी टाइम एक्शन लेना चाहती थी, लेकिन संदीप तिवारी ने ये मुझसे कह के मना किया कि अगर आप परिवार के खिलाफ जाओगी तो मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगा, तो आप प्लीज कोई ये बात शेयर मत करना किसी से। तो इस वजह से मैंने ये बात कहीं भी लीक नहीं की। तो आपको लगा नहीं कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो परिवार के साथ रिलेशन बनवाएगा फिर अपने साथ शादी करके रखेगा? ये बात मुझे लगी थी, लेकिन वो बात उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो हो गया सो हो गया,
बट अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ और आपको शादी मुझसे करनी है तो आपको ये सब सहना पड़ेगा। रिलेशन बनाने के संदीप तिवारी आपसे कहते थे कि आप सबसे रिलेशन बनाइए? नहीं, उन्होंने नहीं कहा। तो अचानक ग्लोरी होटल में जब मैं रुकी थी तो उसी दिन पहले रविंद्र त्रिपाठी गया, आने के बाद उस समय संदीप नहीं थे। उन्होंने जब जोर जबरदस्ती मुझसे किया तो इस बात की शिकायत मैंने संदीप से की, उन्होंने कुछ कहा नहीं। उसके नेक्स्ट डे फिर चंद्रभूषण तिवारी या फिर नितेश प्रकाश दीपक इसी तरह ये लोग आते गए। मैंने इसका बहुत कुछ कहा संदीप से लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उनका ये ही कहना था कि अगर आप मुझसे शादी करना चाहती हैं तो आपको ये सब सहना पड़ेगा। अच्छा, ग्लोरी में जो रूम वगैरह बुक था वो किसके नाम थे? ग्लोरी पे मेरे और संदीप के दोनों के नाम पे बुक था, मेरा आईडी भी वहाँ पे सबमिट किया जाता था। पुलिस के मुताबिक विधायक के भतीजे संदीप पर लगे आरोप पाए गए सही, विधायक बेटों और दो भतीजों पर लगे आरोप पाए गए गलत। एसपी पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। सर, क्या पूरा मामला था और उसमें जांच में किस तरह की तथ्य निकल कर आए हैं अभी तक? देखिए, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि 10 तारीख को एक महिला ने हमारे यहाँ एक अप्लीकेशन दी थी कि उसको शादी का झांसा दे करके और संदीप तिवारी और उनके परिवार के सदस्यों में, जिसमें उन्होंने जो रविन्द्रनाथ तिवारी जी हैं विधायक जी, उनका भी नाम शामिल किया था, एक तहरीर हमको दी थी। मैंने इसकी छानबीन करवाई और उसके बाद मैंने इसका एक केस रजिस्टर करवाया और उसमें जो हमारी विवेचना हुई अब तक, उसमें से बिल्कुल साफ हो गया है कि इसमें विधायक रविन्द्रनाथ तिवारी और उनके जो बच्चे हैं उनमें से किसी का भी कोई अपराध साबित नहीं हुआ। सिर्फ दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट आया है, एक संदीप तिवारी और एक नितेश का। नितेश केवल 504 और 506 के अभियुक्त हैं, जबकि जो संदीप तिवारी हैं उन पे जो शादी का झांसा दे करके उसके साथ संबंध बनाने का है उसके वो पूरी तरह से दोषी अभी तक पाए गए हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार आज किया गया है। और विधायक जी और उनके जो लड़के हैं उनका नाम विवेचना से हटा दिया गया है। सर, क्या लगता क्या है आपको, महिला ने क्यों विधायक जी का नाम दिया और इस लोगों का नाम दिया अगर लोग मुझे दो सके? मुझे लगता है कि वो शादी करने का दबाव बनाने के लिए दिया होगा और उसके द्वारा जो भी साक्ष्य दिए गए हैं उनमें से कहीं से भी ये नहीं लगा कि विधायक और उनके बेटों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, और इवन कि महिला ने मेडिकल कराने से भी इनकार कर दिया है। तो महिला ने जिस तरह से कहा था ग्लोरी में वो लगभग एक महीने रही है, क्या आपको साक्ष्य मिले हैं वहाँ ग्लोरी की, कब रही है, कितने समय रही है? देखिए, ग्लोरी में एक महीने का तो साक्ष्य नहीं मिला है और उन्होंने अपने FIR में लिखा था कि मैं मई महीने में आई थी, जबकि ये जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो फरवरी मार्च में हुए थे और ये रुके थे मार्च महीने में। मार्च महीने में विभिन्न तिथियों में 10 दिन के रुकने का इनका पूरा सबूत मिला हुआ है। उसमें किसका किसका, उसमें संदीप, उसमें संदीप और जो महिला है उसको दोनों का है उसमें रहने का, रजिस्टर में एंट्री है, दोनों की ID लगी हुई है। इसको थोड़ा आनंद कुमार सिंह की रिपोर्ट।